माधवी पानी आन। अरे देवा, अरे बाप रे, अरे हाँ, आज शाम दया भाभी के घर पर्युषण पर्व के लिए जाना है, याद है ना? बिल्कुल याद है माधवी। महावीर भगवान ने कितने अच्छे संदेश दिए ना समाज को, अहिंसा परमो धर्म, जीव दया, मतलब हर प्राणी मात्रा पर दया करो, त्याग की भावना, सादगी, कितने उच्च विचार है महावीर भगवान जी के। लेकिन आप आ रहे हो ना भजन में? मैं क्या माधवी, हम सभी को भजन में जाना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि भजन से मन शांत होता है। अगर मन शांत हो तो विचार श्रेष्ठ होते हैं, और अगर विचार श्रेष्ठ हो तो आचरण श्रेष्ठ होता है, आचरण श्रेष्ठ हो तो जीवन श्रेष्ठ होता है, और जीवन श्रेष्ठ हो तो मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। आप अचार पापड़ की डिलीवरी के बाद किसी संत महाराज के प्रवचन में गए थे क्या? माधवी तुम भूल रही हो कि मैं एक शिक्षक भी हूँ, और शिक्षक को थोड़ा ही सही लेकिन ज्ञान अवश्य होता है। खाना परोसो बालिके। घन श्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय झाला, उठी लव करी वन माळी। काय सकाळी सकाळी भूपाळी भूपाळी गा रहा हूँ माधवी। अब गाने के बारे में नहीं हूँ बोल रही हूँ, नए साल के पहले ही दिन सारे कपड़ों को इस्त्री करने बैठ गए। ये तो मैं हमारी जमाने की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। मतलब ये कि माधवी, नए साल की शुरुआत हमेशा इस्त्री किए हुए कपड़ों की तरह होनी चाहिए, स्वच्छ, साफ सुथरी और कड़क। हुकु भाई, ऐसी परंपरा के बारे में आपने कभी बताया नहीं मुझे। मजाक कर रहा हूँ माधवी, नए साल का पहला दिन है, आज ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी है और मैं फुकट था। हा? मतलब फ्री था, तो सोचा कि तुम्हारे और मेरे कपड़ों को इस्त्री कर डालूं। शाबाश, ये परंपरा पूरे साल चालू रखना। आप कितने अच्छे हो, आप हमेशा मेरे काम का बोझ आधा कर देते हो। मैं तो कहती हूँ सारे पतियों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो माधवी, लेकिन मुझसे बच्चों के अलावा कोई सीखता ही नहीं। खैर, तुम्हारे काम का बोझ आधा करने के लिए मुझे आधा कप चाय मिल सकती है? नहीं। हा? पूरा कप मिलेगी। और उसके साथ गर्मा गर्म पोहे भी। आहा, वाह वाह वाह, अप्रतिम कॉम्बिनेशन, चहा आणि पोहे, जैसे आप और स्त्री के कपड़े। हा, हा? तो माधवी और सोनू, मैंने भारत देश और आज की शिक्षण व्यवस्था पर भाषण तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुनो के भाषण कैसा होना चाहिए। लेकिन भाषण की इतनी जेरॉक्स कॉपीज क्यों निकाली है? ये मूर्ख, ये जेरॉक्स कॉपीज नहीं है, ये मेरे पूरे 10 पेज का भाषण है। ओहो भाई, 10 पेज? वैसे तो 17 पेज का था। हा? लेकिन मैंने काट कूट के 10 पेज का कर दिया। बच गए। क्या ना माधवी, के भाषण कभी भी छोटा और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी 10 पेज का भाषण पढ़ने से बाकी के लोग बोर नहीं हो जाएंगे? मैं जानता था कि तुम ये सवाल जरूर उठाओगी। हाँ। इसलिए मैंने पहले से तय कर लिया माधवी कि मैं भाषण शुरू होने से पहले चेतावनी देने वाला हूँ। जिसको मेरा भाषण शांति से सुनना है वही लोग यहाँ पे बैठ जाए, और जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले यहाँ से चले जाए। हाँ, हे वरकेले। एक मिनट, चल का चल, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे आपने अभी अभी कहा ना कि जिनको नहीं सुनना है वो भाषण शुरू होने से पहले ही निकल जाए। अच्छा, मतलब मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग। नहीं नहीं, उड़ाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, लेकिन माधवी गोकुल धाम में सबसे बढ़िया भाषण मेरा ही होगा, प्राइज मुझे ही मिलेगा। चलो बरे, आपका अगर पहला नंबर आया तो घर में नया थर्मास तो आएगा। मैं यहाँ पर देश के बारे में बोल रहा हूँ और तुम्हें एक शुद्ध थर्मास की पड़ी है? मेरे भाषण की यत्किंचित परवाह नहीं है तुम्हें? नहीं हो तस नहीं। बस अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, हाथाजी घड़ी तोंडार बोल। देश पांडे सर भी किसी भी वक्त आते होंगे। ये माधवी, अरे ये माधवी उठे रैली भया। कहाँ चल रहा है तुझे माधवी? आप किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। मैं तो कब से इधर ही हूँ, आप ही इधर उधर उधर। अच्छा क्या काम है बोलो? वो नाश्ता रेडी है। ओ
और चाह 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 वो भी रेडी है। वेरी गुड वेरी गुड। आप तो ऐसे एक्साइट हो रहे हो जैसे कोई फिल्म स्टार आ रहा हो। फिल्म स्टार? अरे देशपांडे सर तो मेरे लिए फिल्म स्टार से भी बढ़कर है। पता है उन्होंने मुझे सिखाया है, मेरे लिए वो आदर्श शिक्षक है। ये भी पता है कि आप उनके यहाँ ट्यूशन के लिए जाते थे। हाँ, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि मैं ट्यूशन के लिए जाता था। वो तो ट्यूशन पढ़ाते ही थे, साथ में बहुत सारा नाश्ता भी करवा देते। तो आप उनके यहाँ पढ़ने जाते थे या नाश्ता करने? ए माधवी, ये आर्टिकल अवश्य पढ़ना, योग मिटाए रोग, मस्त है। वो क्या है माधवी, ये देखो क्या लिखा है। रशिया में एक ऐसा लड़का है जिसके बॉडी में करंट है, जिसके हाथ में अगर बल्ब दो तो वो जलता है। कमल ऐसा इसको बुला लो यहाँ पे। कहते आपका बिजली का बिल कम आएगा ना। वाह, हेलो। हाँ आया, एक मिनट माधवी। पापड़ के ऑर्डर। हाँ हेलो। हाँ बोला। हाँ हाँ सांगा ना। हाँ पापड़ के पैकेट कितने? 4। हाँ ओके। हाँ ओके पढ़ लो। नहीं नहीं आपको नहीं। हाँ चिवड़े के पैकेट 5 ना। हाँ ओके। हाँ ओके। अरे हाँ मैं भेज देती हूँ। हाँ अभी अभी भेज देती हूँ। ओके अच्छा। अरे देवा काय चाललंय काय? अरे माधवी काय चाललंय तुझं? एक साथ तीन तीन काम करोगी तो ऐसे ही होगा। वहां पे गैस चालू रखा है, यहाँ पे एक साथ तीन तीन काम कर रही हो। अरे हमारे जमाने में हम एक वक्त एक ही काम करते थे। इस जमाने में भी आप एक ही काम करते हो? सुबह सुबह 1 घंटा अखबार पढ़ते हो? देखो माधवी, अखबार पढ़ने में अहो पढ़ क्या रहे हो? जाइए ना जल्दी से, गैस तो बंद कीजिए। जातो जातो। अरे देवा उनका ट्यूशन शुरू होता है। माधवी मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कुछ मत बोलिए, जल्दी से डिलीवरी करके आइए सौरभ दामले के यहाँ। अरे लेकिन माधवी अभी आधे घंटे बाद मेरी एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास है। एक्स्ट्रा क्लास? हाँ। छुट्टी के दिन? हाँ अभी थोड़ी देर में सबको बुलाऊंगा मैं। क्या अभी एक दिन छुट्टी मिली है उसमें भी क्लास? एक दिन तो बच्चों को आराम करने दीजिए। कुछ आराम नहीं करेंगे ये, या तो टीवी देखेंगे या तो खेलेंगे। उससे अच्छा पढ़ाई करने दो, एग्जाम नजदीक आ रही है। तो जब तक वो आए तब तक मैं पेपर पढ़ू? आधा घंटा है ना अभी ट्यूशन को, तो फटाफट जाके ही ना स्कूटर पे। नको नको आप चल के ही जाइए, जल्दी वापस आ जाएंगे। क्यों स्कूटर पे क्यों नहीं? अरे आपकी खटारा स्कूटर बरसात में आने वाली धूप के जैसी है, धूप के से कभी कभार ही निकलती है। वैसे आपकी स्कूटर कभी कभार ही चलती है। माधवी मैं अपनी स्कूटर को हमेशा अप टू डेट रखता हूँ। हो का? जरा बताइए आखिरी बार कब चली थी आपकी स्कूटर? बताइए बताइए डेट बताइए। माधवी अभी डेट हो रहा है ना? लेट हो रहा है ना? तुम टेंशन मत लो, मैं स्कूटर लेके जाऊंगा। अरे मेरी स्कूटर एक किक में। या चैलेंजर, क्या चैलेंज दिया था आपने? कितनी भी बारिश हो मैं स्कूटर चालू करके ही रहूंगा। वाह माधवी, वो बारिश की वजह से ही प्रॉब्लम हो गया, स्कूटर के इंजन में पानी चला गया ना, इसलिए बंद पड़ गई। बरोबर है तुमसे। बरसात में इंजन में पानी चला जाता है, ठंडी में इंजन ठंडा पड़ जाता है और गर्मी में ज्यादा गर्म हो जाता है। सीजनल बहाने हैं आपके पास। माधवी तुम्हारा ये जीता जगता इंजन जो है ना वो बरसात में भीग रहा था। हाँ ठंडी से कांप रहा है। मैंने कहा था भीगने के लिए? जाइए कपड़े बदल लीजिए, चाय लेके आती हूँ। नसीब कर लो इला।
हाय चलो, क्यों बार बार मीटर को देख रहे हो? माधवी देखो ना, ये मीटर कितना फास्ट जा रहा है। रिक्शे वाले भैया, जरा रिक्शा स्लो चलाना। हाँ ये होशियार, ये रिक्शा स्लो चलाने से मीटर थोड़ी ना स्लो चलेगा, मीटर में कुछ गड़बड़ है। करता है ना, शांत बस ऐसा। हाय कितनी कड़क धूप है ना बाहर। ये तो अच्छा हुआ हम लोग स्कूटर पे नहीं है, वरना सेके हुए पापड़ जैसी हालत हो जाती हमारी। बस बस, मेरे स्कूटर पे भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे स्कूटर की तारीफ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। अरे वो प्लग बिगड़ गया था माधवी, अब देखना कल नया प्लग लगाऊंगा ना तो मक्खन जैसा चलेगा स्कूटर मेरा। सोनू, मक्खन कभी चलता है? नहीं तो बस। तू भाई सबसे पहले एक काम कर, नया स्कूटर ले ले। अरे पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन मेहरबानी करके नया स्कूटर ले ले भाई। अरे ऐसा फटीचा स्कूटर पे बापूजी को तू लेके ही क्यों गया? तू बच्चों को शिक्षा देता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, लेकिन तू खुद क्या करता है? बड़ों से मजदूरी करवाता है। अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो नया स्कूटर खरीदना, क्यों नहीं खरीदता नया स्कूटर? नया स्कूटर खरीदने के बाद जितने चाहे एक्सीडेंट कर। स्कूटर ना होने की वजह से इनको कितनी परेशानी, कितना अपमान सहना पड़ा। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, इनके लिए मुझे नया स्कूटर लेना ही होगा। आहो आहो, 12 बजले। ओ, चलो सोते हैं। आहो 12 बजले, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। ओहो, हैप्पी एनिवर्सरी माधवी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अरे मुझे तो लगा तुम सो गए। नहीं, मुझे आप दोनों को सबसे पहले विश करना था। ओहो, आई काय झालं? ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। ओहो थैंक यू। मस्त। ओहो, हैप्पी एनिवर्सरी। अय्या, Oh my God! Hey, what? Dear I and Baba, congratulations on your special day with love, Sonu. क्या मस्त बनाया है Sonu? अप्रतिम। इसे ना हम लोग फ्रेम करके दीवार पे लगाएंगे बेडरूम में। हाँ नक्की। Really? वाह वाह वाह। ये मैंने स्पेशली आप दोनों के लिए अपने हाथों से बनाया है। Yes, yes. God, world, तो मजा। सुनो, काफी मेहनत की है तुमने। हाँ। आई बाबा, आप दोनों मुझे खुश रखने के लिए इतनी मेहनत करते हो, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। पता है सुनो, तुम दुनिया की नंबर वन बेटी हो। और सुनो, अरे? आप दोनों दुनिया के नंबर वन पेरेंट्स हो। अच्छा माधवी, सोनू के गिफ्ट से याद आया, तुम भी मुझे एक बड़ा सरप्राइज देने वाली थी, कहाँ है? डिनर ना, कल 8:30 बजे। क्यों 8:30 बजे? क्योंकि हम दोनों मेरे घर पर पहली बार 8:30 बजे मिले थे। ओह। और हर एनिवर्सरी पे हम दोनों एक दूसरे को 8:30 बजे ही गिफ्ट देते हैं। वैसे तुम्हारे बाबा अगर मुझे अभी के अभी गिफ्ट देना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। नहीं नहीं, क्यों, मैं भी 8:30 बजे ही दूंगा। नियम इज नियम, नियम को मैं क्यों तोड़ू? ओके, आप दोनों अपना नियम मत तोड़िए, पर कम से कम मुझे तो बता दो कि एक दूसरे को क्या सरप्राइज दोगे। बताए ये एक रही है, मदे। 1, 2, 3,
सरप्राइज। बताओ ना बाबा बताओ। क्या बताओ सोनू, 12 बजे कल सुबह स्कूल नहीं जाना है। चलो चलो सोने जाओ चलो। बताओ ना सोनू, कल पता चल जाएगा ना बेटा। हूँ कल। ओके, गुड नाइट एंड हैप्पी एनिवर्सरी वंस अगेन। गुड नाइट एंड थैंक यू। गुड नाइट। अच्छा माधवी, कल सुबह सबसे पहले मंदिर जाना है। हाँ? हाँ। भगवान को ढेर सारा थैंक यू बोलना है। थैंक यू। हाँ, वो कहते हैं ना, ऊपर वाला ही जोड़ियां बनाता है, तो भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई, हमें मिलाया, हमें सोनू जैसी इतनी सुशील बेटी दी, कितनी सारी खुशियां दी, तो थैंक यू तो बनता है ना। बरोबर है, बरोबर। चला चला। आता नहीं कल सुबह। देख ना, पर अभी सोने जाएंगे, तब कल जल्दी उठेंगे और मंदिर जाएंगे ना। हाँ वैसे वैसे ओके। चला। आफ्टर यू मैम। चला। ठीक है। मुर्गा बनिए। मुर्गा बनिए। अरे माधवी, सॉरी माधवी, पर लेकिन थोड़ी सी परमिशन ही तो चाहिए थी। शिक्षक है ना। नहीं। तो एक शिक्षक होकर आपके ऐसे लक्षण है, ऐसे लक्षण है, निर्लज्ज। सकाराम। सकाराम सकाराम, मुझे छोड़ के चले गए तुम सकाराम। हमारा साथ कुछ ही दिलों का था सकाराम, सिर्फ कुछ ही दिलों का था। माधवी, तुम्हारी वजह से सकारा मेरी जिंदगी में आया और तुम्हारी वजह से वो चला गया। ओह सॉरी, प्लीज आप रोइए मत ना प्लीज। अरे रोने तो और क्या करूं, क्या करूं बोलो। सकारा सिर्फ स्कूटर नहीं था, मेरा साथी था, मेरा हमसफर था। मैं मेरे सखा के बिना अधूरा हूं माधवी, अधूरा हूं। माधवी, कोई उसे छूता भी था ना तो मेरा दिल दहल जाता था, और तुमने उसे पूरा का पूरा घुमा दिया। मैंने बोला था ना, मैंने कि सेल में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो गई ना गड़बड़, लेकिन मेरी सुनता कौन है? हमेशा हमारे जमाने का मजाक उड़ाया। सॉरी सॉरी, अब मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता माधवी। तुमने मेरे सखा को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। तुम हॉल में क्यों आएंगे घूमने? माधवी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने सोनू टप्पू गोली तीनों को देखा है। जब से आप बंक करने वाले कॉलेज के लड़का लड़की को मिले हो ना, तब से आपके दिमाग में यही सब चल रहा है, इसलिए हर जगह अपने बच्चे नजर आ रहे हैं आपको। लेकिन अपने बच्चे कॉलेज बंक करके मॉल में घूमने वालों में से नहीं है। तो फिर मैंने जो देखा उसका क्या? जब इंसान एक चीज दिमाग में बिठा लेता है ना, तो उसके आंखों के सामने वही चीज बार बार नजर आती है। तो आपको भ्रम हुआ है? नहीं 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 माधवी, मुझे भ्रम नहीं हुआ है। छोड़िए ना, चलिए शॉपिंग करते हैं। एक मिनट, एक बार मैं अपने मन की तसल्ली कर लूं। कैसे, क्या कर रहे हैं आप? टप्पू को फोन लगा रहा हूं, पता चल जाएगा। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है यार। हो क्या प्रियंका का फोन? मत उठाना, मत उठाना। हाँ अरे लेकिन उठाऊंगा तो उनको शक हो जाएगा। पर तू नहीं उठाएगा तो लगेगा लेक्चर्स में, और अगर तूने उठाया तो मॉल की आवाज से पक्का शक जाएगा टप्पू। हाँ पर हो सकता है कि उनको ऑलरेडी डाउट हो गया हो, इसलिए तो उन्होंने फोन किया है। नहीं सोनू, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, मैं फोन कट कर रहा हूँ। ये देख, ये देख। काय बोला है? काय बोला ना, कट केला फोन, इसका मतलब लेक्चर में है इसलिए कट किया। अभी किसको फोन लगा रहे आप? सोनू को फोन कर रहा। अरे चालू लेक्चर्स में क्यों बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं? देखिए बच्चों पर आप खामा का शक कर रहे हैं। चलिए एक मिनट, एक बार चक्कर लगा के मॉल में, इससे आपके मन की तसल्ली हो जाएगी। हाँ हाँ मिल जाए। नक्की? ओ तीसरा मौका नहीं मिलेगा। हा? नहीं नहीं, नको नको नको, देख फोन। चलो अभी अब इस तरफ से देख। संपला तुमसा क्लास? हाँ क्लास संपला, वो कल के क्लास की तैयारी कर रहा था। ये जब से ऑनलाइन क्लासेस चालू हुए ना, तब से पढ़ाई से ज्यादा आपका वक्त उसकी तैयारी करने में ही जाता है। नहीं कहा तो जाना ना माधवी, मुझे जो पढ़ाना है उसकी पूरी तैयारी मुझे ही करनी है ना। जा मिलने एक ग्लास पानी लेके आओ। हाँ आंटी। काफी क्या?
अय्या पेन खाली गेलो अच्छा एक मिनट हो नहीं नहीं उसे नहीं निकलेगा रुक रुक काय कर आहो ये इससे निकलेगा सुनो का ए नको नको राव दे मैं काट दो ये देखो मिल गया अरे माधवी भाभी ये क्या शिक्षक को सजा दे रहे हैं आप सजा तुम्हें क्या लगा जेठालाल ये माधवी ऐसे हाथ में पट्टी लेके खड़ी और मुझे बोल रही है झाड़ू मारो दिख तो ऐसा ही रहा है जेठालाल दिसता तसा नसता अरे क्या हुआ ये पेन सोफे के नीचे चला गया था अच्छा। माधवी ने बोला कि पट्टी से निकालो बोला पट्टी से तो काम होगा नहीं झाड़ू ही चाहिए इसलिए मैं अंदर गया और झाड़ू लेके आ गया झाड़ू से निकाल रहा था अभी बाप रे ये भरपूर काम है आज चलो मेंटेनेंस के सबके चेक तो आ गए हैं सिवाय जेठालाल इस बार अगर टाइम पे नहीं दिया ना चेक जेठालाल ने तो फाइन लगाऊंगा उसे बाकी काम तो बहुत सारा पेंडिंग है गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम की तैयारी बाकी है बच्चों के एग्जाम सर पर है माधवी ने घर के खर्चे का हिसाब तो दिया है लेकिन पूरा हिसाब नहीं है इसमें माधवी माधवी ओ माधवी काय झालं झाडू खाली करो पहले हां सॉरी बोला काय झालं हिसाब हिसाब कौन सा हिसाब तुम्हें हर महीने घर खर्चे के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो पैसे कहां कहां खर्च होते हैं वो जानने की बात को हिसाब कहते हैं ओ अच्छा उसे हिसाब कहते हैं मग व्याख्या कसली सांगता है मुझे पता है और मैंने हिसाब दिया है आपको अरे वो हिसाब नहीं माधवी तो और कौन सा हिसाब मैं उस हिसाब की बात कर रहा हूँ जो तुम भूल गई हो अहो मुझे ना घर के बहुत सारे काम है हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हा? ये माधवी एक रुको रुको मैं जो बोल रहा हूँ घर का ही काम है तुमने जहाँ जहाँ पैसे खर्च किए उसका सबका हिसाब दो जितना याद था उतना खर्चा बता दिया है आपको हाँ लेकिन पूरे 568 रुपए का हिसाब नहीं दिया तुमने अभी तक तो कई पैसे खर्च हुए होंगे यही तुम्हारा प्रॉब्लम है तुम मेरी तरह लिख के क्यों नहीं रखती और नहीं होता है मेरे पास इतना टाइम और आपके 565 रुपए है ना 565 नहीं 568 तीन रुपए का भी हिसाब होता है बर आपके ये जो 568 रुपए है ना वो घर के किसी काम के लिए खर्च हुए होंगे 3 रुपए नींबू के लिए गए होंगे 25-30 रुपए बालों के बक्केल के लिए गए होंगे सोनू आते जाते 10 रुपए 15 रुपए बस के लिए मांगती है उसको दिए होंगे वो सब याद नहीं रहता है घर के कितने सारे काम होते हैं सोनू के लिए टिफिन बनाओ खाना बनाओ अचार पापड़ का ऑर्डर है इतना सब कैसे याद रखूं तो याद रखना चाहिए ना माधवी और अगर याद नहीं रहता है तो लिख के रखना चाहिए ठीक है अभी इस महीने चला लेते लेकिन अगले महीने नहीं चलाऊंगा अगले महीने नहीं चलेगा मतलब क्या करेंगे आप वो मैं अगले महीने ही बताऊंगा क्यों अगले महीने क्यों नहीं मुझे अभी बताइए मुझे जानना है बताइए बताइए